हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आरबी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी पिता को दी जा सकती है। दोस्तों, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि 5 से 7 साल के बच्चे को माँ की कस्टडी में रखा जाना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। तो अगर कोई बच्चा पिता की कस्टडी में है जो कि 5 साल का है, तो क्या उसे इनलीगल कहा जाना चाहिए? तो इसी सवाल का जवाब देता है आज का हमारा वीडियो, जो कि पटना हाई कोर्ट से है। दोस्तों, वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने अपना एक बहुत ही अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर 5 वर्ष या उससे कम उम्र का बच्चा है और अपने पिता की कस्टडी में है, तो उसे किसी भी तरह से इनलीगल नहीं कहा जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि जीजीए सितारा बनाम स्टेट ऑफ बिहार केस के बारे में, और इसकी सुनवाई जस्टिस अश्विन कुमार की बेंच कर रही थी। जस्टिस अश्विन कुमार सिंह ने इस मामले पर नज़र डालते हुए कहा कि गार्डियन एंड गार्ड एक्ट 1956 की धारा 6 के प्रोविज़न को पढ़ें तो ये कहा जाता है कि अगर पिता के साथ कोई नाबालिग बच्चा होता है, यानी कि पिता की कस्टडी में उसका कोई नाबालिग बच्चा होता है, तो उसे इलीगल कस्टडी नहीं माना जा सकता। मामला ये था, यहाँ पर जो कपल था वो हिंदू है और उसने हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए मैरिज भी की थी। उसकी मैरिज से 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। दोस्तों, दोनों पार्टियों के बीच डिस्प्यूट हुआ तो पिता ने बच्ची को ले लिया और माँ के पास बेटा रह गया। दोस्तों, कोर्ट में बीवी ने ये कहा कि उसके पति का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और उसने बहुत सारे मौक़ों पर उस पर हाथ भी उठाया था, इसीलिए उसने कहा उसकी बच्ची को उसके पिता के पास नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, दोनों पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हिंदू माइनरी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के प्रोविजन 6 को अगर हम पढ़ें तो बच्चा अभी 5 साल का है और माइनर है और उसने अभी पूरी उम्र नहीं ली है, इसीलिए उसकी कस्टडी पिता के पास नहीं होनी चाहिए, बच्चे की कस्टडी माँ के पास ही होनी चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी माँ के लिए मंजूर कर दी और पिता को बच्चे की कस्टडी माँ को सौंपने के लिए आदेश दिया। दोस्तों, इस केस में भले ही एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी माँ को सौंपने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि अगर किसी भी कारण से एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी उसके पिता के पास हो तो ऐसा कस्टडी को इनलीगल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी के बारे में। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।